प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा हर जिला मुख्यालय में की जा रही महंगाई व पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ आक्रोश रैली हमीरपुर में भी आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुनीश ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। युवा कांग्रेस अध्यक्ष मुनीश ठाकुर ने प्रदेश सरकार को भी घेरते हुए कहा कि यदि बसों के किराए में वृद्धि की गई तो सरकार का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर फैसला जनता के खिलाफ लिया गया तो इसके बाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रियों विधायकों का घेराव भी किया जाएगा। मुनीश ठाकुर ने कहा कि केंद्र की सरकार ने महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे आज कहाँ हैं जो कभी महंगाई का विरोध करने में सबसे आगे होते थे। मुनीश ठाकुर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को घेरते हुए कहा कि विजय माल्या के साथ उनकी क्या सांठगांठ हुई है। उन्होंने जेटली से सवाल करते हुए कहा कि क्या उनकी मुलाकात पार्टी स्तर की हुई थी या अपने स्तर पर हुई थी। पूरे देश के अंदर जिस तरह के हालात है, भ्रष्टाचार और महंगाई अपने पूरे चरम सीमा पर है, उस कड़ी को लेकर पिछले छह महीनों से सड़कों पर उतरी है और उसी कड़ी में आज जिला हमीरपुर ने महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जैसा कि पिछले कल कांगड़ा में प्रदर्शन हुआ था, उससे पहले चंबा में और उससे पहले बिलासपुर में, इसी कड़ी में आज हमने यहाँ पर यह प्रदर्शन किया है। रोज भ्रष्टाचार के नए नए स्कैम सामने आ रहे हैं, कभी राफेल डील को लेकर स्कैम सामने आ रहे हैं, कभी मान्य जी विदेश भाग रहे और विदेश जाकर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैंने सेटलमेंट की बात की थी फाइनेंस मिनिस्टर से, लेकिन उनके बीच क्या वो सेटलमेंट हुई हम उनसे पूछना चाहते हैं। क्या वो व्यक्तिगत स्तर की थी, पार्टी स्तर की थी या उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन्वॉल्व है। देखिए, वो हम चाहते हैं कि वो इस देश को बताए और जिस तरह से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, डीजल पेट्रोल के जो दाम है वो आसमान छूते जा रहे हैं। आपने देखा होगा चार साल पहले किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा बनते हुए अन्ना हजारे जी और बाबा रामदेव जी ने एक आंदोलन खड़ा किया था और इनके पक्ष में, और उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लाओ तो पेट्रोल डीजल के दाम है वो चंद रुपए होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि रामदेव जी और अन्ना हजारे जी से वो आज कहा, आज जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो शतक तक पहुंचने वाली है। और मीडिया के माध्यम से हमने सुना है कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही बसों का किराया बढ़ाने जा रही है। कैबिनेट मीटिंग में हम प्रदेश सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि अगर बसों का किराया बढ़ाया तो जो विधानसभा के अंदर 24 अगस्त को हमने विधानसभा घेराव किया था वो तो सिर्फ ट्रेलर था। आने वाले समय में अगर बस किराए में वृद्धि होती है तो यूथ कांग्रेस सीएम हाउस का जो व्यक्तिगत उनका मकान है, ओवर और सचिवालय और जितने भी इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके घरों का घेराव, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रदेश के अंदर जो विधायक हैं उनकी रात की नींद हराम कर रही है यूथ कांग्रेस के साथी। हम चाहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो बस किराए में वृद्धि करने के बजाय जो पेट्रोलियम और डीजल के जो पदार्थ हैं उनके मूल्यों में जो राज्य सरकार का जो कर है उसमें कटौती करें बजाय इसको बढ़ाने के लिए।